आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है कभी कभी हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने टाइप कर लिया तो मुझे इसी चीज पर नीचे जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हो, एमएस वर्ड में आपको पता चला कि आप जो कुछ कर रहे हो उसी को नीचे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोबारा अब इसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आता है बात कि यहां पे कि अगर आपको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में कर्सर रखना, एक दो तरीके, एक तो है माउस से कि माउस से स्टार्टिंग में क्लिक करें और माउस को क्लिक रखें और फिर नीचे की तरफ जहां तक आपको कॉपी करना है तहां तक माउस के पॉइंटर को मूव करें तो आपका कॉपी होगा, ठीक है। या दूसरा कि आप इस पे, अब जैसे कि आपको एक लाइन इस पे माना कि एक वर्ड करना है तो डबल क्लिक करें, तो एक पैराग्राफ को स्टार्ट में डबल क्लिक करेंगे तो दो बार डबल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ होगा, एक बार डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ वर्ड सिलेक्ट होगा वो पर्टिकुलर वर्ड, और दो बार इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस से स्टार्टिंग में क्लिक करें और उसको क्लिक रखते हुए नीचे की तरफ माउस को मूव करें तो कॉपी हो जाता है, तो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये कॉपी करने से पहले सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है, अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो कॉपी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो क्लिक करते हुए आप उसको नीचे की तरफ लाओ तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर डबल दो बार डबल क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा पैराग्राफ नहीं करना है और माउस से नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, शिफ्ट को प्रेस करके रखें और एरो की से आप सिलेक्शन करते चले जाएं, ठीक है। वो सिलेक्ट करने का एक और तरीका होता है, और सिलेक्शन जरूरी है ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आगे कर लेंगे तभी आगे चल के आपको बहुत सारी चीजों पर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि कमेंटिंग करना और बाकी चीज करना, प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, पीछे से शोर आ रहा है। तो इसके बाद आप कंट्रोल सी करें, कॉपी करें, तो कॉपी करने के बाद इसको कहीं भी पेस्ट करना चाहे, जहां कर्सर रखेंगे वहां पे कंट्रोल वी करेंगे, चाहे यहां पे कॉपी और पेस्ट या सिंबल है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और होता है कि इसमें आता है पेस्ट स्पेशल, जैसे कि मैंने इसको कलर कर दिया हुआ है और मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूं, यहां से कंट्रोल सी या फिर इस पर क्लिक करके कॉपी किया, अब मैं अगर कंट्रोल वी कर दिया या इस पर क्लिक कर दिया जैसा है वैसा पेस्ट होगा, लेकिन जैसा है वैसा अगर मुझे पेस्ट नहीं करना है तो यहां पे पेस्ट स्पेशल आता है। पेस्ट स्पेशल से पहले यहां देखिए, ये पेस्ट पेस्ट करना है तो मैं फॉर्मेटिंग रख के पेस्ट करना है, ये मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब कि फॉर्मेट को नहीं लेके आना है, ये पिक्चर में पेस्ट करना है और ये सिर्फ लेटर को पेस्ट करना है। तो ये जो मर्ज फॉर्मेटिंग आ रहा है मतलब कि इसमें सिर्फ फॉन्ट की फॉर्मेटिंग रहेगी, बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी और इसमें सिर्फ टेक्स्ट आएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, समझे। तो जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो पेस्ट स्पेशल में आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, पहला जैसा है वैसा पेस्ट करना, दूसरा बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग को रिमूव करके पेस्ट करना है, तीसरा पिक्चर में, तीसरा कर दिए ना तो ये अब क्या है, वर्ड नहीं रहा, ये इमेज बन गया, फोटोग्राफ बन गया, उसने फोटो खींच के इसका डाल दिया,
तो फोटो खींच के डालने का फायदा क्या होता है कि उसको अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको रोटेट कर सकते हो, इसलिए फोटो डालते हैं। और तीसरा जो आपका आता है कि मुझे सिर्फ उसका टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि कोई फॉर्मेटिंग नहीं, ना ही फॉर्मेटिंग नंबर की और ना ही फॉर्मेटिंग, सॉरी, ना ही फॉर्मेटिंग इसकी बैकग्राउंड की और ना ही फॉर्मेटिंग इसके लेटर की, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो यहां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, जैसे कि मैं जो फॉर्मेट यहां है सेम फॉर्मेटिंग में इसको नीचे भी करना चाहता हूं, तो उसके लिए इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने की जगह पे आप यहां पे आता है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक कीजिए और इसको लेके पेंट कर दीजिए, तो पेंट हो जाएगा। फॉर्मेट प्रिंटर की जगह पे लेके इसको पेंट कर दीजिए तो पेंट हो जाएगा, समझ गए। तो फॉर्मेट प्रिंटर से क्या होगा कि इसमें का जो फॉर्मेटिंग था, जैसे बैकग्राउंड की कलर थी, फॉरग्राउंड कलर था, सिर्फ वही कलर इस पे पेस्ट हुआ, बाकी चीज इस पे पेस्ट नहीं हुआ। अब तो हो गया कि इसमें वर्ड का डेटा वर्ड में पेस्ट करना। अब बात करते हैं बाहर की चीजों को पेस्ट करना, जैसे कि मान लीजिए कि एमएस एक्सेल पे हमारे पास ये चीजें हैं, मुझे इसको पेस्ट करना है, तो एमएस एक्सेल या कोई अदर एप्लीकेशन से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहां पे गया और नॉर्मल पेस्ट करूंगा तो जो हमारा फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आएगा। लेकिन नॉर्मल पेस्ट करने से क्या होगा कि वो टेबल के रूप में चला जाता है या फिर ग्राफिक के रूप में चला जाता है, लेकिन इसी में आपके पास पेस्ट स्पेशल आता है। तो पेस्ट स्पेशल में आपके पास ये सारे टॉपिक होते हैं कि जैसे एक्सेल से पेस्ट किया तो एक्सेल का जैसे ऑब्जेक्ट कोड है वो लेना है, या फॉर्मेटेड आरटीएफ लेना है, या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लेना है, या बिट मैप में पिक्चर में रखना है, या पिक्चर लेकिन मेटलाइट पिक्चर में लाना है, या एचटीएमएल फॉर्मेट में, या अनफॉर्मेटेड यूनिकॉन टेक्स्ट में, जैसे नोटपैड की फाइल होती है उस तरह का चाहिए, तो आप पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। तो एक्सेल से डेटा जब पेस्ट करते हो तो पेस्ट ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस आपके हैं, तो इसमें नॉन फॉर्मेटेड टेक्स्ट या फिर एक्सेल के इन दोनों में से कोई एक लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर वहां जो फाइल मान लीजिए कोई एक समरी है और एक्सेल पे है और यहां भी है, अब चाहते हैं कि एक्सेल की जो समरी है वो यहां भी शो करे, तो फिर यहां पे अनफॉर्म यहां पे क्या बोलते हैं पेस्ट एज ए लिंक को लेना पड़ता है। पेस्ट एज ए लिंक को आप सेलेक्ट करके ओके कर दे, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमारे एक्सेल पे कोई चेंज होता है तो यहां भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे 60 है ना, मैं यहां पे 60 को 260 कर देता हूं एक्सेल पे जाके, यहां देखिए मैं यहां पे 260 करके एंटर मारा और वापस आइए, देखिए यहां पे 260 अपने आप हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप 260 हो गया, ठीक है। तो पेस्ट एज ए लिंक इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं जैसे कोई पिक्चर्स वगैरह को पेस्ट करना चाहते हैं आप, अब जैसे कि मान लीजिए कोई पिक्चर लेके आना आप, जैसे इमेज इस पे ही आप मान लीजिए कोई पिक्चर इसी को लेते हैं, राइट, मान लीजिए या कोई पिक्चर्स है या इसी पिक्चर को लेते हैं, कॉपी कीजिए कॉपी इमेज, या गूगल पे या मेल पे कहीं भी आपके पास पिक्चर आया तो बस उस पे कर्सर रखिए एंड कॉपी इमेज,
और उसके बाद एक्सेल में जाइए और जस्ट इसको पेस्ट कर दीजिए, नहीं वर्ड में आइए और जस्ट इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। तो इमेज वगैरह को भी आप पेस्ट कर सकते हो, जैसे कॉपी किया और पेस्ट किया। तो कोई भी कॉपी करके आप कुछ भी यहां पे पेस्ट करो, इमेज होगा तो इमेज में आ जाएगा और पेस्ट हुआ तो पेस्ट में आ जाएगा, जो पिक्चर हुआ तो पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपने सीखा कॉपी एंड पेस्ट, आज आपको मैंने पढ़ाया कॉपी एंड पेस्ट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग, कि हम अपने टाइप की गई डेटा को कैसे फॉर्मेट करें। ठीक है, इंटरनेट पे वेब पेज पे जाएं, वहां से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, एक्सेल पे कुछ बनाएं वहां से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करें, और पेस्ट स्पेशल्स की जो चीजें हैं उसको एक बार देखने की कोशिश करें। जो चीज समझ में ना आए प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, हर एक चीज को करने की कोशिश कीजिएगा, हर एक चीज को। अगर जो चीज समझ में नहीं आती है उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा और फिर मुझे कल की क्लास में पूछिएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे मैं लेके चलूंगा, फिर स्पीड पकड़ूंगा।